क्विकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11th फरवरी 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। पिछले हफ्ते दैट इज 5th टू 9th फरवरी के दौरान करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी का एक एनालिसिस। जो 2nd ऑफ फरवरी दैट मींस फ्राइडे को एनएफपी डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स जो क्लोज दिया था वो था आपका 103.96। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स में ये देखना था कि इस रेजिस्टेंस जोन जो 104 से 104.3040 लेवल्स का था उसके ऊपर सस्टेन करते हैं या नहीं। अगर ब्रेकआउट करते हैं उसके बाद क्या ये स्विंग हाई को इस हिसाब से कुछ ब्रेक करते हैं ऑन द हायर साइड, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि 106 से 106.30 की तरफ जाने का ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो अभी आफ्टर moving higher towards 104.60 ek dekha gaya, so isi hafte mein isi range ke andar mein what is that 104 10 20 ke andar mein hi ye consolidate kar raha hai abhi monday onwards। hame do cheeze dekhna hai, basically do nahi teen cheeze hain। ek hai kya ye swing jo upar se niche ke taraf aaya uske baad swing ko todta hai, yani 104.60 के ऊपर क्या ये स्ट्रॉन्ग क्लोज कैंडल के साथ जाते हैं मंडे ऑनवर्ड्स। इन सच ए केस आवर टारगेट इज गोइंग टू बी 106.50 की तरफ। ये वाला पहला। दूसरा वाला ये है कि अगर ये नीचे की तरफ आते हैं देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देते हैं एंड सब्सिक्वेंट डे पे नीचे की तरफ फर्दर फॉलो अप देते हैं। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में हम एक सेलिंग देख सकते हैं। दिस इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी एंड द थर्ड प्रोबेबिलिटी इज योर ये साइडवेज कंसोलिडेशन। क्या जैसे यहाँ पे आप देखोगे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को एक छोटे रेंज के अंदर में प्राइस एक्शंस अटके हुए थे, मींस उसी के अंदर में थे। क्या ये इसी रेंज के अंदर में ऑन द लोअर साइड 103.50-70 एंड ऑन द हायर साइड 104.30-50 के बीच में क्या ये कंसोलिडेट करते हैं? इन सच केस ए कंसोलिडेशन फेज के अंडरगो करेगा डॉलर इंडेक्स। ये आपका डॉलर इंडेक्स का। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में आप अगर वीकली चार्ट को देखोगे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, एक डोजी बट इट्स अ पिन बट एट अ सपोर्ट लेवल। कौन सा सपोर्ट लेवल आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक प्रीवियसली 1.26 लेवल पे एक सपोर्ट था एंड उससे भी पहले हम देखेंगे 1.26 एक सपोर्ट था एंड ऑन द हायर साइड 1.28-1.2830 का एक रेजिस्टेंस। इस दोनों जोन के बीच में मूव कर रहे थे। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज डाउन किया ऑन मंडे तो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया। उसके बाद हमारा ये एनालिसिस था क्या यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज, क्या ये यहाँ पे नीचे आने के बाद एक अपस्विंग थोड़ा सा करेक्शन देके फिर लो को तोड़ते हैं। इन सच केस फर्दर सेलिंग इज पॉसिबल। ये हो गया वन प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि क्या ये दोबारा ये जो पहले सपोर्ट था नाउ इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं समथिंग लाइक दिस एक ग्रीन कैंडल के साथ। क्या इस टाइप का एक कैंडल क्लोज देते हैं उसी का इंतजार है। तो पिछले तीन दिन में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में क्या हुआ है ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस जो है 1.26 एरिया के वहीं पे नैरो रेंज कैंडल्स बना रहे। अभी हमें देखना है क्या ये स्विंग लो को तोड़ते हैं फॉर फर्दर डाउनवर्ड मूव या ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये जो करेंटली इट्स ए रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं मंडे ऑनवर्ड्स इन सच ए केस सब्सिक्वेंटली वी कैन एक्सपेक्ट जीबीपी डॉलर टू मूव टुवर्ड्स 1.2800। ये हम प्रीवियस पिछले दो तीन जो प्री मार्केट एनालिसिस डेली एनालिसिस है वहां पे हमने डिस्कस रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर दिस सिचुएशन कैसे होते हैं उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली जीबीपी आईएनआर ये सपोर्ट के नीचे गया फिर कंसोलिडेट करके पुल बैक करके यहां पे ऊपर की तरफ आ गया। अभी ये जो सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द अपर एंड दैट बीइंग द केस ये अपर एंड के ऊपर यानी फ्राइडे का जो हाई है उसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली कैंडल अगर आप देखोगे एक पिन बार
बनाया हुआ है एट ए सपोर्ट लेवल। सो ये पिन बार के हाई के ऊपर एक वीकली बेसिस में जो पिन बार का हाई है उसके ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम टूवर्ड्स वीकली वाला जीबी या टूवर्ड्स 106.20 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में भी ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गया था, सपोर्ट को तोड़ के नीचे इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.0723 उसके बाद पुल बैक। अभी हमारा क्या इंतजार है, जो हम पिछले दो तीन प्री मार्केट एनालिसिस डेली एनालिसिस में हम इंतजार कर रहे हैं, क्या ये पुल बैक को पुल बैक के बाद समथिंग लाइक दिस इस टाइप का ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, इन सब केस वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, और अगर ऐसा नहीं होते है रदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ये जो पहले का सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस इसके ऊपर इस टाइप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देते हैं, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो डॉलर इज विल मूव टुवर्ड्स 1.09 1.0950 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। ये है आपका यूरो डॉलर। सिमिलरली यूरो आईएनआर पे भी ये नीचे किस तरफ मंडे के दिन में सेल ऑफ आया आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट लेवल को रेजिस्ट कर रहा है। अभी क्या ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं, इन सच ए केस वी विल सी यूरो आईएनआर टुवर्ड्स 90.60 एज द फर्स्ट टारगेट एंड 91.30 एज द सेकंड टारगेट अगर इस टाइप का होते हैं, एंड अगर ऐसा ना होते हुए स्विंग बनाया अब ऊपर की तरफ एंड लो को तोड़ते इन सच ए केस सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे ऑनवर्ड्स फिर हमें देखना है ये कंसोलिडेशन के बाद क्या होते हैं। डॉलर येन ये टिपिकल रेजिस्टेंस है 149.5060 लेवल्स पे, बेसिकली इट्स ए रेजिस्टेंस एरिया। उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का ये 78.6%। इसको सेलिंग के लिए हमारा एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट, इस ट्रेंडलाइन सपोर्ट के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का हमें इंतजार है। अगर यूरो डॉलर डॉलर येन को हमें सेलिंग करना है तो ये हमें देखना है। तो इस स्टेप का जस्ट अ सेकंड, इस स्टेप का एक अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ ये ट्रेंडलाइन सपोर्ट को तोड़ते हैं इन सच ए केस एंड उसके बाद नेक्स्ट डे इसके लो के नीचे फॉलो थ्रू मिलता है, इन सच ए केस डॉलर येन में एक जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। ये हो गया आपका आवर कंसर्न्स। लेकिन अगर ये हमें थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करना है, ये 149.50 एंड 149.80 क्या इसके ऊपर एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है, देन वी नीड टू रीथिंक अबाउट आवर एग्जिस्टिंग कैलकुलेशंस। येन आयनर में भी एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा है फ्रॉम 59 रुपीस से आपका 55.50 रुपीस। इसलिए यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार कर रहे हैं डबल कंफर्मेशंस का। क्या डबल कंफर्मेशंस, एक डब्ल्यू बनाएगा नेकलाइन के ऊपर जाएगा, दैट विल नॉट गिव अस द 100% कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे बाई करना चाहिए। उसके बाद फिर एक स्विंग बनाएगा, उस स्विंग के हाई को तोड़ गया तोड़ेगा ऊपर की तरफ, इन सच ए केस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते। डॉलर कैंडी एक पिन बार बनाया हुआ है इन नॉट पिन बार इट्स अ डोजी कैंडल एट सेंटर में, दैट बीइंग द केस ये जो आपका जो हमारा रेंज था 1.3550 ऑन द हायर साइड एंड 1.3350 ऑन द लोअर साइड, दो बीगी का रेंज है, इसके अंदर में प्राइस वोलेटाइल बिहेव कर रहे हैं। सो जब तक आइदर साइड आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड ब्रेक आउट नहीं करते तब तक हमें क्लैरिटी का इंतजार है। $80 में वीकली जो कैंडल बनाया हुआ एक पिन बार बनाया हुआ है, अभी डेली बेसिस में देखेंगे तो एक अच्छा खासा सेलिंग आ चुका है 0.6850 से 0.64750 की तरफ, अच्छा खासा एक अभी इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज का पॉसिबिलिटी से रेंज शिफ्ट भी हो रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैसे आएगा हमें एक डबल डब्ल्यू का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। क्या है, पहले एक स्विंग हाई बनाएगा, उसको स्विंग हाई को तोड़ गया तो डब्ल्यू हो गया, उसके बाद फिर वंस अगेन एक स्विंग हाई बनाएगा, उस स्विंग हाई को फिर दोबारा तोड़ेगा, दो बार रेजिस्टेंस को निगेट करेगा,
देन इन सच केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक इंतजार है हमें। CNH जो डेली एंड वीकली क्लोज दिया हुआ है वो 7.22। यहाँ पे बेसिकली ये जो 7.20 का एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर क्लोज देने के बाद एक we are expecting 7.25 and 7.29 repeatedly. I am having this particular view कि CNH अगर 7.20 को सस्टेन कर जाते हैं इन सच के 7.25 एंड 7.29 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। ये हायर प्रोबेबिलिटीज के तरफ ही जा रहे हैं CNH, possibly it is heading towards 7.25. तो CNH के साथ why the importance? Already आप अगर मेरा रेगुलर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि कोरिलेशन बिटवीन CNH एंड रुपी। तो CNH जैसे जैसे डेप्रिशिएट करेगा वैसे वैसे रुपी में भी प्रेशर आ सकता है, जो डॉलर रुपी में सब्सिक्वेंटली वी आर कमिंग टू दैट। सो ये अगर 7.25 की तरफ जाएगा या 7.29 की तरफ जाएगा अकॉर्डिंगली प्रेशर विल माउंट ऑन रुपी। तो आपका ब्रेंट क्रूड आप आगे देखोगे कि डॉलर पे अभी हमने एनालिसिस नहीं किया, पहले पूरा का सब कुछ कर लेते हैं, फाइनली वी विल स्टार्ट डॉलर। ब्रेंट क्रूड में यहाँ पे हमने एक फॉल्स ब्रेक डाउन के बाद आवर एक्सपेक्टेशन वाज 76.50 के तरफ, लेकिन ये 77.80 से बाउंस बैक किया है ड्यू टू सर्टेन मींस मिडिल ईस्ट रिलेटेड इजराइल मींस डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द पीस प्रपोजल्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ इसके कारण ये थोड़ा सा प्रेशर आया। ये तो हो गया एंड आवर टारगेट इज नॉट मेट, रेदर इट इज गोइंग हायर। अभी हमें देखना है, क्या देखना है, क्या ये यहाँ पे एक सेलिंग दोबारा आते हैं, दोबारा प्राइस इसके नीचे क्लोज देते हैं, कौन सा किसके नीचे, ये 81.30-50 के नीचे स्ट्रॉन्ग डेली क्लोज देते हैं, तो हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये हो गया आपका ब्रेंट क्रूड। US 10-year treasury टू वीकली क्लोज दिया 1.177। यहाँ पे हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है। आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे और एक स्विंग हाई है जो है आपका 4.196 के ऊपर, ये 10-year ट्रेजरी में मूव टुवर्ड्स 4.26 की तरफ जा सकते हैं। US 2-year ट्रेजरी ये भी हमें इंतजार था, यहाँ पे कंसोलिडेशन वीकली जो कंसोलिडेशन है उसके आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड यहाँ पे। That being the case, यहाँ पे higher possibilities है कि ये 4.73 के तरफ जा सकता है। Under what conditions? ये condition हो सकता है जैसे आपका ये daily अभी जा रहा है, एक negative daily candle चाहिए and उसके बाद उस negative candle के high को तोड़ेगा on a daily basis. In such a case, US 2-year treasury जो है वो 4.74 के तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका। अभी फाइनली हम आते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 82.98 लेवल्स। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे डॉलर रुपी को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो कंटिन्यूअसली आप देखोगे पहले जो टॉप था 83.40-45, फिर ये आ चुका है 83.30-35, फिर आ चुका है ये 83.20-25 के बीच में एंड रिसेंटली व्हाट वी आर सीइंग 83.05-07। सो टॉप जो है धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, व्हेयर इज द बॉटम, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल 82.80 से 83.00 इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो इस प्राइस को देखेंगे तो ग्रेजुअली द प्राइस एक्शन शोज दैट द सेलिंग प्रेशर इज माउंटिंग ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इनविजिबल हैंड्स का हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। One more thing, आपका CNH अगर 7.25 and 7.29 के तरफ जाते हैं तो ये जो जितने भी resistance है currently 83.0710 then 83.1820 then 83.2730 सबको तोड़ने का possibilities बन सकते हैं। So we need to carefully monitor dollar CNH, we need to carefully monitor dollar index as well as the dollar rupee का pressure on both the two sides, on the selling side as well as on the buying sides. दोनों को हमें प्रेशर मापना है। So ultimately आप अगर पूछोगे क्या कहना चाहते हैं, So कहना यही चाहते हैं नीचे की तरफ आने के लिए तैयार हो रहे हैं डॉलर रुपी on a daily perspective, लेकिन invisible hands जब तक अपना हाथ
नहीं हटाएंगे तब तक नीचे की तरफ बाई डिप्स हो जाएगा। ऊपर की तरफ एक रिस्क है क्योंकि CNH अगर ऊपर की तरफ डेप्रिशिएट कर जाते हैं 7.25 एंड 7.29 इन सच केस, ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ फोड़ के ऊपर की तरफ जाने के लिए भी दम रखते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ भी ज्यादा कुछ डेप्रिसिएशन नहीं, 83 40 50 के ऊपर अगेन इनविजिबल हैंड्स विल बी वेरी एक्टिव। सो डॉलर रुपी उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा मैनेज करके खेलना है। करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो डेफिनेटली लाइक कीजिए। अच्छा, वन मोर नगेट यहाँ पे, ये जो वीकली पिन बार बनाया हुआ है इसको कैसे खेलना है। मंडे ऑनवर्ड्स हमें एक डेली नेगेटिव कैंडल चाहिए। नेगेटिव कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही जाएगा इस टाइप का, वी मे सी GBP डॉलर टुवर्ड्स 1.28। सो हमें मंडे ऑनवर्ड्स डेली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, चाहे वो डोजी नेगेटिव कैंडल हो या फुल फ्लेजेड नेगेटिव कैंडल हो। उसके बाद उसका हाई को तोड़ेगा तो हमें अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द एनालिसिस जो मेरे को नजर में आ रही। सिमिलरली यूरो डॉलर पे भी एक डोजी कैंडल, पिन बार कैंडल बनाया हुआ, इसको भी कैसे खेलेंगे। डेली बेसिस पे हमें एक रेड कैंडल चाहिए, चाहे वो पिन बार रेड कैंडल हो, डोजी टाइप का रेड कैंडल हो, या फुल बॉडी रेड कैंडल हो, कुछ भी हो, एक रेड कैंडल चाहिए। एंड उस रेड कैंडल के हाई को तोड़ना है नेक्स्ट डे, सस्टेन करना है। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1109। ये एक स्पेशल नगेट है जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सब्सिक्वेंटली अगर मेरे को जब भी एक नेगेटिव कैंडल आएगा, अगर आते हैं तो उसके नेक्स्ट डे में अगेन आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस। सो अभी के लिए ये प्रेजेंटेशन रखता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।